Hello everyone, welcome back in civil information. Today we will learn how to calculate number of bricks and mortar in masonry work. तो ठीक है, देखते हैं हम लोग किस तरीके से मतलब bricks के calculation करेंगे और mortar हमारा कितना होगा. तो देखिए यहाँ पे मैंने दो sample के तौर पे आपको दिखाने के लिए brick रखे हुए हैं, तो मैं इसकी dimension आपको एक बार check करा देता हूँ ताकि आप साइड पे एक्चुअल आपको ब्रिक मिलेगा तो वो किस तरीके का होगा. जनरली आप पढ़ते हो 19x9x9 वाले ब्रिक, फर्स्ट क्लास ब्रिक वगैरह वगैरह, तो जनरली लेकिन बेसिकली यूज ये होता है कि आप कोई भी प्राइवेट सेक्टर का आप काम करते हो तो आपको इस तरीके की ही ब्रिक यूज करते हो आप. तो जनरली मैं उसको लेके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ. तो देखिए इसको जब मैं यहाँ पर नाप रहा हूँ तो ये मुझे मिल रहा है 9 इंच, ये 9 इंच का ब्रिक है और ये मुझे मिल रहा है, ये है मेरा 9 इंच से तो कम है, ये मेरा है 8.5 इंच, ये वाला ब्रिक मेरा छोटा है, ये मेरा 8.5 इंच का है और ये मेरा 9 इंच का ब्रिक है. और मैं देखिए ये डायमेंशन, अब एक मिनट मैं ये डायमेंशन आपको दिखा दूँ ये कितनी है. ये है एक मिनट, हाँ जी ये 4.5 इंची है, ये थिकनेस 4.5 इंची है. और इसकी जब मैं नापता हूँ इसकी, एक मिनट रुकिए मैं देख लूँ, इसकी इसकी जी 4 इंची है, ये इसकी थिकनेस ये 4 इंची है. तो देखिए कितना डिफरेंस है. अभी मैं इसको नाप के आपको दिखाता हूँ. अभी ये मेरा है कितना, ये है मेरा 3 इंची, ये मेरा 3 इंची है और ये मेरा 2.5 इंची है, ये मेरा 2.5 इंची है, ये 2.5 इंची है, ये 3 इंची है और ये मेरा 4.5 इंची का ईटा है, ये मेरा 4 इंची का ईटा है. तो अगर मैं इसको इस तरीके से लेकर अगर मैं मेसनरी वर्क करता हूँ तो ये 4 इंची चुनाई मेरी होगी. अगर मैं इस वाले ब्रिक को लेकर अगर इस तरीके से अगर मैं ब्रिकिंग करूँगा या फिर मेसनरी वर्क तो मेरी 4.5 इंची की चुनाई होगी. तो आपको ये सारी चीज़ें जब आपको पता होंगी अच्छे से कि हमारा किस तरीके से है ब्रिक साइज तो आप लोग इजीली कैलकुलेट कर लोगे. तो चलिए देखते हैं हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, उसका प्रोसेस क्या है. ओके, तो फिर देखिए ये मेरा एक प्लान दिया गया हुआ है, ये एक रूम है 5x4 मीटर में है यूनिट सारी और जिसकी हाइट मैंने ली है 3 मीटर. 3 मीटर लगभग हमारा एक खंड होता है 12 फुट लमसम और इसकी लेंथ और ब्रेथ इस तरीके से दी गई है 5.40 4.4. तो देखिए अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये मुझे अंदर 5 मीटर मिल रहा है और बाहर 5.40 मीटर, यानी थिकनेस ऑफ वॉल मेरा कितना हो गया, थिकनेस ऑफ वॉल हमारी हो गई ये देखिए 0.20 मीटर. देखिए 0.4 टोटल यहाँ का दोनों को मिलकर जो 0.4 बन रहा है तो एक तरफ का 0.2 मीटर, तो 0.2 मीटर ये हमारी हो गई थिकनेस ऑफ वॉल. तो थिकनेस ऑफ वॉल सब तरीके की हमारी 0.2 मीटर है. तो इस तरीके से आपकी वॉल अगर आप मीटर में कैलकुलेट कर रहे हो तो मीटर में आप ले लो, अगर इंचेस में आप चल रहे हो तो 4 इंची हो गया, 4.5 इंची की वॉल है, या फिर डबल ईट की है तो 9 इंची, या फिर मॉडल बीच में आ जाता है तो 10 इंची बोलते हैं. तो उस तरीके से आप बेसिकली आप देख लो आप किसी कैलकुलेशन करना चाहते हो. अभी मैं यहाँ पे मीटर में फिलहाल लेके चल रहा हूँ आपको समझाने के लिए. तो देखिए और ये जो डोर है मेरा, डोर है उसकी हाइट है 2.1 मीटर डोर की हाइट, और डोर के ऊपर एक लिंटर पड़ता है, लिंटर की थिकनेस है 0.1 मीटर और उस लिंटर की लेंथ है 1.2 मीटर और 1 मीटर का डोर की ओपनिंग है. तो इस तरीके से हमारा कुछ दिया गया है. तो अब हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं ब्रिक. तो देखिए ये जो यहाँ पे मुझे दिया गया है, अभी आप ये देखिए मैं इन दो सिरों को पकड़ता हूँ और मैं पकड़ के यूँ ओपन कर दे रहा हूँ, इसको खोल दे रहा हूँ तो ये पूरी दीवार सीधी सीधी बन जाएगी, यानी लेंथ को मैं सीधे एक साथ ले ले रहा हूँ. तो लेंथ देखिए मेरी है कितनी, 5.40 मीटर की ये लेंथ है और एक ये है, तो इनटू अगर मैं इसमें 2 कर दूँ और प्लस 4 मीटर की, ठीक है ये जब मैंने यहाँ पे पूरी ले ली है तो अब देखिए यहाँ से भी 0.2 लेस हो गया, यानी अंदर मुझे कितना मिलेगा 4, तो इनटू 2 कर दूँ तो यानी मुझे टोटल लेंथ अगर मैं देखूँ तो मेरी टोटल लेंथ हो गई 18.80 मीटर. और इसी तरीके से ब्रिथ मेरी है, ब्रिथ क्या, थिकनेस ऑफ वॉल की थिकनेस कितनी है 0.20 मीटर है,
ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने निकाल रखा है, तो थिकनेस ऑफ वॉल और हाइट 3 मीटर, जनरली एक खंड हमारा 3 मीटर का होता है, तो 3 मीटर हाइट हो गई, तो एल बी एच यहाँ पे मैंने निकाल लिया। अब देखिए आपको ये चीज़ समझना है बहुत इंपॉर्टेंट कि वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क इज इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल्यूम ऑफ वॉल या फिर मेसनरी वॉल आप बोल सकते हैं, जहाँ पे आपने ब्रिक लगा के कंस्ट्रक्ट किया है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉल, तो वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालते हैं हम लोग। देखिए किस तरीके से लेंथ है 18.80 इंटू विड्थ है 0.20 इंटू 3, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 11.28 क्यूबिक मीटर, ये मिला। लेकिन आप एक चीज़ देखो, अभी हम लोग सारी चीज़ कंसीडर कर ले रहे हैं, डोर भी कंसीडर कर लिया है अभी हमने, हैं, और डोर के ऊपर जो लिंटर पड़ा हुआ है उसको भी कंसीडर कर ले रहे हैं, बल्कि यहाँ पे देखिए कोई ब्रिकिंग नहीं हुई है, यहाँ पे तो आरसीसी वर्क हुआ है, तो हमें इन सब कामों को यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा। तो डोर के लिए हम लोगों को कितना वॉल्यूम लेस करना पड़ेगा, तो देखिए डोर के लिए वॉल्यूम लेस करना पड़ेगा जो, तो 1 मीटर इसकी विड्थ है इंटू 2.1 मीटर लेंथ, और थिकनेस जो है इसकी भी 0.20 मीटर है, क्योंकि आप इस तरीके से तो होता नहीं कि दरवाज़ा दीवार के बाहर निकल जाएगा, तो दीवार हमारी 0.20 मीटर की है, तो उस वजह से हमारा डोर भी इतने ही का हो जाएगा, तो 0.42 क्यूबिक मीटर। और डोर के ऊपर का लिंटर को अगर मैं लिंटल सॉरी उसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ, तो देखिए 1.2 है ये इंटू 0.1 इंटू 0.1 ये इंटू 0.2, ये भी 0.2 मीटर का होगा, तो ये मेरा हो गया 0.024 क्यूबिक मीटर। अभी ये आप देखो 1 ये इंटू 2.1 इंटू ये इंटू इसकी मोटाई 0.20, सब जगह पे लेता आ रहा हूँ, देखिए 0.20 यहाँ पे भी लिया यहाँ पे भी लिया, तो वही चीज़ है। तो ये दोनों क्वांटिटी अगर मैं इसमें माइनस कर दूँ तो हमारा एक्चुअल वॉल्यूम निकल आएगा, तो लेफ्ट वॉल्यूम ऑफ वॉल, लेफ्ट वॉल्यूम अब कितना बचेगा 11.28, हम लोगों ने पूरा कैलकुलेट करा, इसमें डोर की ओपनिंग माइनस कर देते हैं 0.42, माइनस इसमें कर देते हैं 0.024 यानी लिंटर भी, तो ये हम लोगों को मिलता है 10.836 क्यूबिक मीटर। चलिए ठीक है, अब हमें इतना तो पता चल गया कि हमारी जो आप कंस्ट्रक्ट करोगे वॉल उसका वॉल्यूम इतना है, ओके वेरी गुड। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ब्रिक की साइज क्या है। चलिए ठीक है, एज्यूम करते हैं हम लोग, एज्यूम कर लीजिए आप कोई भी साइज, जो भी मैंने अभी आपको साइज बताया है उसको आप मीटर में ही कन्वर्ट करके आप ले लो या फिर कुछ भी ले लो। तो अभी मैं अगर फर्स्ट क्लास ब्रिक की अगर बात करूँ तो उसका साइज होता है 19 × 9 × 9 क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब सारी डायमेंशन सेंटीमीटर में है। तो और थिकनेस ऑफ मोर्टर, थिकनेस ऑफ मोर्टर, मोर्टर की थिकनेस आप कितनी ले लो 10 mm, 10 mm का मसाला लगेगा, ये चीज़ मोटी मोटी आप ये समझ लो। तो अब देखो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विथ मोर्टर आप कैलकुलेट करो, क्योंकि उसे आप नहीं छोड़ सकते हो, तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विथ मॉर्टर, तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विथ मॉर्टर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको देखिए कितना मिलता है, देखिए 19 है, अगर मैं इसको mm में बदलूँ तो कितना हो गया 190 में, अगर मैं 10 mm मॉर्टर ऐड कर दूँ तो यानी ये मेरा हो गया 0.20 मीटर में कन्वर्ट करा, 200 mm को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि 190 mm हमारा ये डायमेंशन थी और 10 mm मॉर्टर ऐड हो गया तो 200 mm, तो यानी यहाँ पे 0.20, आई होप आप समझ पा रहे हो, ये 90 है सेंटीमीटर में है 9 और mm में 90 mm हो जाएगा, तो 90 में 10 mm ऐड करा तो 100 mm हो गया, और उसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट कर लूँ तो 0.1 सेम उसके आगे वाला भी, तो यानी विथ मॉर्टर, मॉर्टर के साथ मेरा कितना हो गया एक ब्रिक का वॉल्यूम इतना आ गया। अब ये देखो आप एक ब्रिक का वॉल्यूम इतना है, तो नंबर ऑफ ब्रिक का वॉल्यूम इंटू एन अगर मैं कर दूं तो टोटल इसके बराबर हो जाएगा,
यही कॉन्सेप्ट है। तो देखिए 0.002 इंटू नंबर ऑफ ब्रिक एन है वो बराबर होगा हमारा 10.836 क्यूबिक मीटर के, इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से एन अगर मैं कैलकुलेट करूँ, इससे डिवाइड कर देता हूँ, तो जब मैं आप डिवाइड करके खुद चेक करो तो समथिंग ये आएगा 5418 ब्रिक, इतनी ब्रिक आएंगी। चलिए ठीक है, इतनी ब्रिक आ गई, हम लोग समझ लिए। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, ये तो हमारा विथ मॉर्टर आया है, मॉर्टर के साथ। देखिए वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विथ मॉर्टर, तो अभी अगर हम लोग कैलकुलेट कर लें कि मॉर्टर कितना लगेगा, तो हम लोग इसको ईजिली माइनस कर सकते हैं उसमें। तो देखते हैं हम लोग मॉर्टर हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए मॉर्टर को कैलकुलेट करने का रिक्वायर फॉर ब्रिक, मॉर्टर रिक्वायर फॉर ब्रिक, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ब्रिक। अब देखिए मॉर्टर कितना है ये कैलकुलेट करने के लिए, वॉल्यूम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ब्रिक, सिर्फ ब्रिक ब्रिक का, नॉट विथ मॉर्टर, अब ओनली ब्रिक का ही हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना। तो डायमेंशन उसकी लेते हैं 0.19, क्योंकि डायमेंशन क्या थी 19 × 9 × 9, वही डायमेंशन मैं मीटर में बस कन्वर्ट करके ले रहा हूँ। तो देखिए 0.09 × 0.09, और हमारी ब्रिक लग कितनी रही है ये देखिए 5418 ब्रिक लग रही है। तो यानी कि अगर मैं 5418 से इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये मेरा सिर्फ ब्रिक्स का वॉल्यूम निकल आएगा। तो ब्रिक्स का वॉल्यूम मेरा आ रहा है ये देखिए 8.3383 क्यूबिक मीटर, इतना आ रहा, मतलब सिर्फ ब्रिक ब्रिक का, और तो सिर्फ ब्रिक का आ रहा है इतना। तो क्वांटिटी ऑफ मॉर्टर, तो क्वांटिटी ऑफ मॉर्टर, क्वांटिटी ऑफ मॉर्टर, अब क्वांटिटी ऑफ मॉर्टर निकालने का देखिए आसान सा तरीका ये है, अभी हम लोगों ने लेफ्ट वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना निकाला था 10.836, अगर मैं इसमें से 8.3383 यानी वॉल्यूम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ब्रिक का वॉल्यूम अगर माइनस कर दूं, तो किसका वॉल्यूम बचेगा, जाहिर सी बात है मोटर का बचेगा। तो मोटर हमारा कितना है 3.325 क्यूबिक मीटर, मतलब कि इतना मोटर हमें यूज करना है। लेकिन इससे पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, नहीं सॉरी गलत हो गया है आई थिंक सो, एक मिनट, हाँ जी ये कैलकुलेशन गलत हो गई है, 10.836 में आप 8.3383 आप माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा 2.4977 क्यूबिक मीटर, इतना मिलेगा आपको। तो ये मोटर की ये क्वांटिटी आ रही है, तो ये क्वांटिटी जो है मोटर की वो आपकी है किस फॉर्म में, अब आप बताओ, ये आपकी आपका वेट वॉल्यूम है आई थिंक सो, या फिर इसको 2.5 डायरेक्ट आप लिखो 2.5 क्यूबिक मीटर। तो ठीक है, तो ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटर, तो हमको ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटर अभी देखो आप, इतना तो मुझे वेट फॉर्म में चाहिए, और सॉरी इतना मतलब इतना मुझे चाहिए आफ्टर कंस्ट्रक्शन के बाद, इतना बचना चाहिए। आप अगर सिर्फ 2.5 क्यूबिक मीटर आप लेके चलोगे तो उसमें पानी भी होता है, सीमेंट भी होता है, और काफ़ी तरह की रिएक्शन होती है। तो आफ्टर जब वो सूखने के बाद कंस्ट्रक्शन आपका उसमें संकुचन हो जाएगा, आप हिंदी भाषा में ये समझो, तो वो कम हो जाएगा, तो कम हो जाएगा इसलिए हम लोग एक फैक्टर का यूज करते हैं। तो फैक्टर होता है हमारा वेट वॉल्यूम जितना भी होता है मोटर के लिए, उसमें हम लोग एक फैक्टर का मल्टीप्लाई करा लेते हैं 1.33 का। आप मल्टीप्लाई करा लोगे तो देखिए 2.5 × 1.33, जब मल्टीप्लाई कराया तो मैंने 3.325 क्यूबिक मीटर मुझे वैल्यू मिली। इसका ये मतलब है आप ड्राई फॉर्म में इतना वैल्यूम आप लीजिए, तब वो आफ्टर कंस्ट्रक्शन आपको 2.5 क्यूबिक मीटर मिलेगा। आप इतना ही लेके कंस्ट्रक्शन करोगे तो ये जाहिर सी बात है कम हो जाएगा, क्वांटिटी कम हो जाएगी, स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी, आपका स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। तो इस फैक्टर का यूज हमें करना है,
ये IS कोड हमें बताता है कि हमें किस फैक्टर का यूज़ करना है। जैसे कि आपको मैंने मेरे पिछले वीडियो में बता रखा है कि अगर आप RCC वर्क के लिए अगर डिज़ाइन कर रहे हो कोई कंक्रीट, तो वहाँ पे फैक्टर आप 1.54 से 1.57 तक लेते हो, यही फैक्टर। तो अगर आप और भी अच्छे से देखना चाहते हो तो वो मेरा आप वीडियो देख लो। अभी यहाँ पे देखते हैं क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। अब देखिए क्वांटिटी ऑफ सीमेंट हम बताने कैसे है, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट तो रेशियो देखिए, एक रेशियो एक छः का मसाला बनाना है, मतलब कि सीमेंट एक है तो मोरंग छः रखनी है, इस तरीके का मसाला हमें बना के देना है। तो ठीक है, इसके लिए मैं डिजाइन कर रहा हूँ। तो देखिए सीमेंट और सैंड दोनों कैलकुलेट करते हैं। तो सीमेंट, सीमेंट कितनी है एक, और इसका समेशन कितना है, सम सॉरी, तो 7, तो 1/7 इंटू वॉल्यूम कितना है 3.325 में, 3.325 का 1/7 सीमेंट है, तो यानी 0.475 क्यूबिक मीटर सीमेंट है। तो इसकी डेंसिटी होती है 0.475, अगर मैं इसको केजी में कन्वर्ट करूं तो डेंसिटी सीमेंट की होती है 1440 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो जब मैं इसका मल्टीप्लाई करके निकालता हूं तो ये हो गया 684 केजी, मतलब इतनी सीमेंट लगेगी। तो इतनी सीमेंट लगेगी, चलिए ठीक है कोई बात नहीं है। तो इसको एक सीमेंट का बैग 50 केजी का होता है, तो डिवाइड कर दिए अगर 50 से तो 13.68 बैग लगेंगे, या फिर आपके 13.5 बैग आप बोल सकते हो कि मेरे 13.5 बैग सीमेंट लगेंगे, जो हमारा भी रूम है उसके वॉल या मेसनरी कंस्ट्रक्शन के लिए। अब देखिए यहाँ पे सैंड में अगर कैलकुलेट करूँ तो 6 है, यानी 6/7 है, 7 का 7 भाग में 6 भाग मोरंग है, आप हिंदी भाषा में ये समझो, और किसका 3.325 का, जिसे कैलकुलेट हम लोगों ने करा तो 2.85 क्यूबिक मीटर आया। तो डेंसिटी अगर मैं मोरंग या फिर सैंड जिसको आप बोलते हो, तो उसकी डेंसिटी होती है 1650 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, मैंने 1650 ली है, जनरली ये वेरी करती रहती है 10-20-30 से प्लस या माइनस हो सकता है। तो जब इसे मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 4702.5 केजी सीमेंट आई, सॉरी सैंड आई हमारी, और एक मिनट, हाँ जी ठीक है। और अगर मैं इसको अगर देखिए यहाँ से अगर मैं डायरेक्ट अगर CFT क्यूबिक फुट में, क्योंकि हम लोग जनरली मोरंग साइड में ख़रीदते हैं, तो 2.85 ये मेरा क्यूबिक मीटर है। अगर मैं इसमें 35.3147 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये CFT में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी क्यूबिक फुट में, क्योंकि एक मीटर इज कर लूँ 3.28 होता है, और 3.28 × 3.28 तीनों का अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूँ इसका तो ये वैल्यू मिलेगी, और इसका मैं मल्टीप्लाई से करूँगा तो क्यूबिक फुट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 100.647 CFT क्यूबिक फुट, तो ये मेरा क्यूबिक फुट में भी कन्वर्ट हो गया। तो ये देखिए नंबर ऑफ ब्रिक हम लोगों ने निकालना सीख लिया है, और हमने वॉल्यूम ऑफ सॉरी मोर्टर भी निकालना सीख लिया कि कितने मोर्टर लगेंगे। तो आई होप आप समझ पाए होंगे इस वीडियो को, और जो मैंने स्टार्टिंग में आपको साइज बताया था, जो ब्रिक्स दो दिखाई थी उनके साइज ये थे, ये मैं आपको बता देता हूँ। एक था 9 इंच × 3 इंच × 4.5 इंच के, ये साइज था, दूसरे का था 8.5 इंच × 2.5 इंच × 4 इंच। तो साइज आप चेक कर लो आपका किस तरीके का है ब्रिक, तो और उसके बाद आप कैलकुलेशन करके इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके नंबर ऑफ ब्रिक कितने लगने हैं। और आई होप आप समझ पाए होगे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।